अच्छा सस्ता सा टायर है 215/75R15। आपकी गाड़ी तकरीबन 500 किलोमीटर चली होनी चाहिए और इसके ऊपर अगर चली होगी तो आपके ना भाई पैसे काट दिए जाएंगे। आप भी महिंद्रा बोलेरो नहीं हो लेने के लिए जा रहे हो, ये कुछ ऐसा सा बैग रहता है भाई। मैंने आप अपनी गाड़ी चला क्यों नहीं रहे हो? तो भाई मेरी गाड़ी ना चलाने का रीजन यही था। आज भाई हमने अपनी गाड़ी को भी कुछ अलग से तरीके से लगाया भाई, इस प्लॉट में रख रहे हैं अभी फिलहाल, यहाँ पे लगने जा रहा है घर का काम। तो भाई काफी दिनों के बाद आज मैं अपनी इस गाड़ी को खोलने जा रहा हूँ। मैं अभी हूँ गाड़ी के पीछे, बस एक मिनट एक कवर खोल दूँ फिर आता हूँ भाई आपके पास। कवर तो खुल चुका है, अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी का व्यू। थोड़ी सी सरसराहट आई होगी, ये मेरी जैकेट का साउंड है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, कल पापा ने साफ किया भाई इसको अच्छे तरीके से। ये लो ये है पूरी गाड़ी का व्यू भाई, काफी दिनों से बंद थी ना तो भाई थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि हमारी गाड़ी लगती कैसी है देखने में। तो ये है भाई अपनी बोलेरो नियो एंटेन टॉप मॉडल और ब्लैक कलर। भाई इसको मैंने अभी तक चलाया क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशल आपके लिए है कि हमें इस बोलेरो नियो के साथ मिला क्या क्या है। रुको जरा तो ये भी लेके चलता हूँ भाई, फिलहाल अपनी स्टार में रखा हुआ था। तो भाई ये रहती है इसकी चाबी कुछ ऐसी, और फ्लिप की है भाई। जब हम इसको ऑन करते हैं तो DRL स्टार्ट हो जाती है इसकी, दो बार ब्लिंक करती है या तीन बार, और उसके बाद घुस जाते हैं हम गाड़ी के अंदर। अरे वाह भाई अभी तक देखो भाई इसके रिबन भी नहीं निकलवा रखे भाई। इसके ऊपर चढ़ना होता है ना तो स्पेशली इसके फुट रेस्ट पे पांव रखो और फिर गाड़ी के अंदर ब्रो। Hey guys, welcome back to Rambling Boundaries। तो भाई हमारी बोलेरो नियो को अभी बाय किए हुए एक महीना हो चुका है और हमने अपनी गाड़ी को पता कितना चलाया है अभी बताते हैं। ये देखो भाई अभी आएगा मीटर के अंदर, भाई आप हंसोगे देख करके। ये देखो भाई 276 किलोमीटर चलाया भाई मैंने इसको अभी तक। उसकी वजह है मेन टायर एप्ट्रा 82 डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ बट भाई वो मिल नहीं रहे कहीं भी। 215/75R15 मिल रहा है बट उसमें ना भाई वो व्हाइट जो लेटर लिखे होते हैं ना वो नहीं है उसपे। तो मैं थोड़ा सा ना अपग्रेड करवा रहा हूँ अपने टायरों की प्रोफाइल। अभी आपको दिखाता हूँ कौन से टायर है इसके अंदर। इसके अंदर आते हैं ये वाले नॉर्मल से टायर, रैंगलर है भाई गुडियर के, सस्ता सा टायर है 215/75R15। तो जिस भाई से मैंने बात करी है भाई उन्होंने ये बोला है कि अगर आप ज्यादा चलाओगे तो इसके ना पैसे और ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। आपकी गाड़ी तकरीबन 500 किलोमीटर चली होनी चाहिए और इसके ऊपर अगर चली होगी तो आपके ना भाई पैसे काट दिए जाएंगे और एक्स्ट्रा। ये वाले टायर है ना इनकी कॉस्ट अच्छी खासी लग रही है। तो भाई अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको मैं बता दूं हम आज से पहले अपनी इस ए स्टार में सफर करते आए जो कि आपको दिखाई दे रही होगी वहां पे, और हमारे पास एक होंडा ब्रियो है जो कि अभी यहां पे नहीं है, वो गई है वॉशिंग के लिए। इससे पहले हमारे पास थी XUV500। अगर आप नए हो ना भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ये गाड़ियां थी। इससे पहले टाटा बोल्ट थी और इससे पहले भी और गाड़ियां थी भाई, उनको चलो अभी छोड़ देते हैं, पुरानी बातें नहीं छेड़ते हैं। अभी इस पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया, आप ये देख सकते हो भाई मैट भी जो कंपनी से आते हैं थैंक यू लेटर वाले वो मैट डले हुए हैं इसमें। बस भाई भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारी इस गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। हाई एंड सर्विसेज पैकेज होते हैं ना भाई वो ले रखे हैं, रोड साइड असिस्टेंट है, 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है 5 साल के बाद या फिर 1.5 लाख किलोमीटर, ये सब कुछ मैंने इसका पैकेज ले रखा है भाई। फिर मेरा नाम तो आपको सबको पता ही है कि क्या है, किस वजह से फेमस हूँ कि भाई अपनी गाड़ियों का काम ही करवाता रहता है और ट्रैवल कम करता है। ट्रैवल करने के लिए ये गाड़ी बाय करी है बोलेरो नियो N10। अपने पास इतना कुछ बजट नहीं था कि भाई मैं भाई देखा यहाँ पे ये प्लॉट देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है हमारी ये भी जगह जाएगी क्योंकि यहाँ पे ना भाई गाड़ियां रखने की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मुझे, खासकर भाई क्योंकि तीन गाड़ियां एक मैंने ऐसे लगा रखी है जैसे बाहर है, एक मेरी इसके आगे लगती है और एक बोलेरो नियो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। सुबह के टाइम तो क्या होता है कि मेरी दो गाड़ियां निकल जाती है, एक पापा ले जाते हैं, एक मैं ले जाता हूँ, एक यहाँ पे खड़ी रहती है। शाम के टाइम ना तीनों गाड़ियां इकट्ठी होती है फिर दिक्कत हो जाती है। स्कूटर बाइक तो हमारी घर के अंदर लगी रहती है। मेन भाई मैं मुद्दे से भटक जाता हूँ, जैसे कि आपको पहले से पता है मैं योकोहामा जियोलैंडर भी डलवा दूं भाई, बट वो इतने अच्छे नहीं है। आपको सीरियस नोट पे बताता हूँ भाई, योकोहामा जियोलैंडर ना थोड़ा सा हार्ड टायर है। जब मैं गाड़ी चलाऊ ना तो मुझे स्मूथनेस चाहिए भाई गाड़ी में, और किसी प्रकार के मैं इसमें अलॉय नहीं डलवाऊंगा क्योंकि अलॉय इसके बहुत अच्छे हैं। जब मैंने ये गाड़ी शोरूम से बाय करी तो मुझे क्या कुछ गिफ्ट में मिला है तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भाई गिफ्ट में मुझे क्या क्या आइटम्स दिए हैं और आपको क्या क्या मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये कुछ बैग दिया था उन्होंने भाई महिंद्रा वालों ने, चलो ठीक है भाई, देखो बताना तो नहीं चाहिए जो गिफ्ट मिलती है बट भाई आपको बता देता हूँ अगर आप भी महिंद्रा बोलेरो नहीं हो लेने के लिए जा रहे हो। ये कुछ ऐसा सा बैग रहता है भाई, मैंने खोला नहीं है भाई, आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ।
मैं सच्ची बात कह रहा हूँ भाई, गॉड प्रॉमिस, मैंने ना अभी तक ये पैकेट खोला नहीं है, एज बिकॉज भाई आपको दिखाने के लिए भाई, जब आपको दिखाऊंगा तभी इस पैकेट को खोलूंगा, अदरवाइज से पहले मैं अपने ए स्टार के साथ जितना मेरा शौक था मैंने इस स्टार कंप्लीट कर लिया, अब बस मैं ए स्टार अब और ज्यादा नहीं चलेगी, मे बी भाई जो मेरे टायर है एप्ट्रा 82 वो एक दो दिनों में आ जाएंगे भाई, उम्मीद तो यही है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भाई बुलेरो के नजारे, वो तो भाई मैं सीरियसली किसी भी नोट पे नहीं छोड़ूंगा, जितना पैसा मैंने इस गाड़ी पे खर्च किया ना भाई, अब फुल पावर मजे भी लूंगा इस गाड़ी के, जो चीजें मैंने सोच के ये गाड़ी ली है ना भाई वो चीजें इसके साथ करनी है, तो भाई स्पेशली इसको खोलते हैं भाई आप लोगों के साथ कि इसके अंदर क्या क्या आता है, अंधेरा हो जाएगा फिर भाई दिखेगा नहीं बाहर का नजारा। तो भाई सबसे पहले आता है ये है भाई आरसी रखने के लिए, यहाँ पे मैं आरसी रखूंगा, यहाँ पे कागज वगैरह रखूंगा, अच्छा महिंद्रा का लोगो है इसमें और इसमें लिखा है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल महिंद्रा, तो लेदर का है, अच्छा लग रहा है भाई, और क्या है भाई कितनी अच्छी पॉकेट बनाई है, देखो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी रखी है भाई इन्होंने डब्बों की, और अरे वाह भाई वाह, कप मिला है भाई जिसमें कि आप कॉफी वगैरह पी सकते हो, हालांकि भाई इसको रखने के लिए कहीं स्पेस तो है नहीं, ये है इसको बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया जाएगा भाई, यहाँ पे स्पेस की तो थोड़ी सी कमी है हमारी बोलेरो नियो पे, बट फिर भी आप इसको रख सकते हो, अच्छा कप है भाई, चलो ठीक है महिंद्रा के साथ आया तो भाई अच्छा ही है, और उसके साथ आता है ये क्या है भाई, एक डैशबोर्ड साफ करने के लिए एक कपड़ा सा है, ठीक है इसको साफ सुफ करते रहेंगे भाई, अब हम गंदी तो होगी जब हम इसको चलाएंगे खतरनाक तरीकों से, और ये क्या क्या है भाई यार, ये आ गया आपका की चेन, अरे वाह भाई मेरा तो मुद्दा ही सॉल्व हो गया, ये रही हमारी महिंद्रा की चाबी भाई, अभी तक ऐसे ही रखी है, अब इसके ऊपर चढ़ाऊंगा ये वाला कवर, क्या मजेदार चीज रहेगी ना भाई, अभी पता नहीं मुझे व्यू कैसा आ रहा है कैसा नहीं, क्योंकि जो सूरज है वो मेरी ठीक पीठ के पीछे है, मेरा फेस जो इस साइड है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट अब करूं भी क्या भाई, अभी रात हो चुकी, रात होने वाली है, 5:08 है, स्पेशली आपको ये लगा करके दिखा देता हूं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा भाई, छोटा सा वीडियो है, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था भाई कि आज किया क्या जाए, तो ये लो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में भी, कुछ यूनिक सा, अभी मैंने नेक्स्ट पता क्या करूंगा प्रोजेक्ट, एक कवर आता है बहुत अच्छे प्रीमियम कलर का वो लेकर के आऊंगा, तो वैसे तो ये इसमें फिट हो चुका है, महिंद्रा का ट्विन पिक्स लोगो इसमें भी है, मुझे ये लोगो बहुत प्यारा लगता है, सीरियसली जो पहले लोगो था वो कुछ अजीब था, ये लोगो भाई क्या मस्त है, और ये देखो भाई एम्बॉस्ड है, ये देखो जैसे कि ये लोगो एम्बॉस्ड है ना, ये और ज्यादा एनहांस है, ये फिर भी थोड़ा सा अजीब सा है, बट ये कितना प्यारा है, स्लीक सा यार, मजेदार, ये तो मैं रखूंगा भाई अपना गाड़ी को साफ करने के लिए, चीज तो मैं रखूंगा भाई जब मेरे डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट हो जाएगी, मतलब आरसीस की बन चुकी है वो भी जल्दी आ जाएगी, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ रख देता हूँ, मेन एक्साइटमेंट रहता है कि आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने एक महीने से भाई अपने सबर का बांध बनाया हुआ था, समझ रहे हो, तो आज वो बांध आपके साथ मैंने खोल दिया, तो फिलहाल भाई अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आप अपनी गाड़ी चला क्यों नहीं रहे हो, तो भाई मेरी गाड़ी ना चलाने का रीजन यही था कि भाई मेरे टायर आने हैं अभी, उसके लिए भाई मैं अपनी गाड़ी को ना इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं ला रहा, और उसके बाद जो है मेन काम है इसका पीपीएफ होने का, पीपीएफ मैं करवा रहा हूं भाई मेन, यहां पे एक डिटेलिंग करके कोई चीज है, आगे भाई नाम बाद में जोड़ूंगा क्योंकि बहुत से डिटेलिंग पापा है, डिटेलिंग डेविल है, डिटेलिंग माफिया है, तो वो मेरे एरिया के नजदीक है, दूर मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा इसकी पीपीएफ करवाने के लिए, उसका भी एक बड़ा रीजन है, अगर मैं दूर जाता हूं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है पीपीएफ के रिगार्डिंग, कहीं से बबल बन के या कुछ भी आता है, तो भाई इतने दूर मुझे फिर से इसको रिपेयर करवाने के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अपने नियर बाय ही पीपीएफ करवा रहा हूं, तो भाई ये दो काम है ना वो मेन थे, बाकी मॉडिफिकेशन का काम है अभी करवाऊंगा इसका, ये दो चीजें कंप्लीट होने के बाद फिर आपको प्रॉपर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी हमारी बोलेरो नियो पे, और अगर आपको हमारी इस बोलेरो नियो के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको हमारी बोलेरो नियो के बारे में क्या जानना है, इसके फीचर बता देता हूं, वैसे तो भाई इसके लिए डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, बट ऐसे ही आपको सूखा सूखा नहीं जाने दूंगा कि भाई आपको हमारी बोलेरो नियो में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, ये है बोलेरो नियो N10 टॉप मॉडल, और इसमें जो मिरर है भाई वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मिरर एडजस्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ नहीं कर सकते भाई, पापा भी आ गए भाई, पापा को गाड़ी में बिठा देता हूं एक बार, हमारी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और यहां पे मीडिया कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, उसके बाद जो आपको ये टच स्क्रीन मिलती है भाई, वैसे देखो लोग इसके बारे में बहुत सी बुराइयां करते हैं, मैं भी करता हूं, आ जाओ अंदर बैठ जाओ, कैनवुड की कंपनी का आता है भाई ये, कैनवुड आपको मारुति देती थी सबसे पहले जब मेरे पास एसटीम थी, एसटीम हुआ करती थी उस टाइम पे भाई कैनवुड आता था, पहले वाला म्यूजिक सिस्टम था भाई फिजिकल बटन वाला, वो बहुत ऑसम था, और इसमें भाई आपको कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा, इसमें आपको देखो दो बटन मिलते हैं, एक एसी और इको वाला, जस्ट नॉर्मल और यहाँ से बाहर की हवा और अंदर की हवा का कंट्रोल आपको मिल जाता है, अगर आपको भाई देखो ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां लेनी है ना तो आप किसी और गाड़ी के साथ जा सकते हो, जैसे कि ब्रीजा भी 10.5 लाख के आसपास कॉस्ट करती है, इसकी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, पर भाई 1500 सीसी में डीजल इंजन आप ढूंढ के दिखा दो मुझे,
8 से 9 लाख के बीच में। ये है आपका सिगरेट लाइटर, यहाँ पे आप अपने सिस्टम लगा सकते चार्ज करने के लिए मोबाइल वगैरह, और ये आपको USB यहाँ पे लग जाता है ताकि आप गाने वगैरह सुन सको। ये ऑक्स का है भाई, आजकल ऑक्स कौन ही सुनता है। और यहाँ पे छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस है जो कि किसी काम नहीं आता भाई, यहाँ पे कॉइन वगैरह डाल सकते हो। स्टोरेज की कमी हालांकि भाई इसमें है। और ये गियर बॉक्स भाई जब आप स्टार्ट करते हो थोड़ा सा रफ फील देता है आपको, मतलब जैसे कि बड़ी गाड़ी चला रहे हो। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ भी है भाई। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब हमने गाड़ी ली थी ना तो ये फोटो है, मैं मम्मी और पापा खड़े हुए, तो इन्होंने हमें गाड़ी हैंड ओवर करी थी शिमला ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड मंडी से। हमने ये गाड़ी ली थी, 5:17 हो चुके हैं भाई। ये जहाँ पे महिंद्रा का लोगो छिपा पड़ा है ना, मैंने बोला उनको भाई ये खराब हो रखा है, तो उन्होंने मुझे एक दूसरी फ्रेम ये भी दे दी थी। और क्या मिला था भाई, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट एड किट है इसके साथ। रूफ वाली लाइट है ना, ये भी पहले बहुत अच्छी आती थी, जैसे वॉल्वो में नहीं आती भाई, ऐसे ऐसे उसको टर्न कर सकते हैं, वो वाली थी भाई, क्या मस्त हुआ करती थी। ये भी कॉस्ट कटिंग कर दी उन्होंने, अब इसमें नॉर्मल सी आती है। एक भाई पीछे भी ऐसी सेम लाइट है। और भाई सीटें मैंने अभी इसके कवर खोले नहीं है, जब सीट कवर डालेंगे तभी इनको उतारेंगे। फिलहाल तो भाई 270 किलोमीटर चली है, उसका क्या ही करेंगे। और भी भाई इसके अगर आपको फीचर जानने तो भाई आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, फिलहाल तो मैंने इसलिए आज की वीडियो बना रहा था ताकि आपको मैं दिखा दूं कि हमारे पास इस मैजिक बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आई हुई हैं। इसके भाई ये जो पीछे डिफॉगर है, फॉग वगैरह जम जाती है तो ये वाला स्विच है। इको मोड में चलाओगे गाड़ी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है भाई, बहुत स्लो चलती है गाड़ी। ये लाइटों को कंट्रोल करने के लिए और मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए ये स्विच है। यहाँ पे दरवाजों पे आपको भाई बिल्कुल सिंपल मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है अपना वॉलेट रखने के लिए और बॉटल रखने के लिए। और भाई पीछे की बात करें ना, आपको नॉर्मल एक यहाँ पे स्विच दिया जाता है जो कि ग्लो करता है भाई, स्पेस है वॉलेट रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए। यहाँ पे भाई ये सिल्वर क्रोम है, बेस मॉडल होता है ना भाई उसमें ब्लैक सा होता है, जैसे कि ये ब्लैक है ना वैसे ही ब्लैक ये होता है, बट इसमें ये सिल्वर है। अंदर देखो स्पेस कितना है पापा, स्पेस तो भाई स्पेस की कोई कमी नहीं है, गाड़ी में बहुत ज्यादा स्पेस है। और यहाँ पे भी एक आर्म रेस्ट है जो कि मैंने निकाला नहीं है भाई, बेस मॉडल में आर्म रेस्ट नहीं आता, मैं आर्म रेस्ट है। सीट है ना मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की, और मेरी हाइट है 5'10". पापा भाई इजिली बैठे हुए, ये देखो कितना स्पेस है। थाई स्पोर्ट है पापा आपको यहाँ पे प्रॉपर है, मतलब ये कि कंफर्टेबल होकर के आप जा सकते हो। आजकल मैक्सिमम ये गाड़ियां ना भाई सरकारी महकमा, जिसको बोलते हैं सरकारी महकमा, उस पे लगी हुई है। पीछे का स्पेस तो भाई मैंने अभी कवर रखा हुआ है। और ये वाली सीट है, मुझे लगता है इन फ्यूचर इनका कभी यूज हो आएगा। ये कुछ सीटें सीटिंग इस तरीके से है। और प्लस पॉइंट बलेरो का भाई ये देखो, यहाँ पे इसका शीशा ना ये यहाँ से खुल जाता है, बाहर से दिखाता हूँ कि खुल के कैसा होता है। ये खुलने के बाद ऐसा इसका एरोडायनामिक्स मस्त हो जाएगा ना, जब आगे वाला शीशा खोलेंगे तो आगे से हवा आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाया करेगी। इसको कर देते फिलहाल बंद, ये लो भाई ये बंद भी हो गया। और भाई ये रही इसकी रूफ की एक और लाइट, इनको तो भाई इन फ्यूचर में मॉडिफाई करवा दूंगा। व्हाइट लाइट आएगी इसके अंदर जो कि अच्छी खासी रोशनी देती है। स्टेपनी आती है इसमें भी, टायर 215/76R15 है, महिंद्रा का एक प्यारा सा लोगो है, और एक वाइपर है। ये भाई हैलोजन बल्ब है इसके अंदर, ये LED है पूरी लाइट, सिर्फ यहीं पे LED आती है और आगे DRL LED है। यहाँ पे भाई कॉर्नरिंग लैंप है, ये इंडिकेटर है, और ये भाई फॉग लाइटें हैं। और ये जो ग्रिल आप देख पा रहे हो भाई टॉप मॉडल में ही आती है, अदरवाइज जो दूसरी होती है उनमें भाई नॉर्मल सी रहती है, ये ब्लैक सी कलर की, बट मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है भाई। कुछ एक फीचर है जो भाई आपको बेस मॉडल वाले ही पसंद है। और ये स्कफ प्लेट आप देख पा रहे हो, ये स्कफ प्लेट भाई मैंने वहीं से लगवाई थी, इसकी कॉस्ट भी बाद में बता दूंगा। जो जो मैंने अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाई हुई है ना भाई, उनकी कॉस्ट में बताऊंगा इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में। कल भाई पापा ने गाड़ी साफ करी है पूरी, और फिर उसके बाद कवर लगा दिया था। और ये अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मिलता है भाई एक मिरर, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। अगर आपको भाई हमारी गाड़ी के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो मैं दूंगा ही भाई, बिना बोले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट फिर भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने की कॉस्ट करी थी, क्या क्या आपने लिया हुआ इस गाड़ी के अंदर, पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस मुझे देरी है तो आपके कमेंट्स की। आप कमेंट करो और उसके बाद मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ कंजूसी नहीं बरतूंगा भाई, आपको हर एक बात जो है प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, जो हकीकत है। और अगर इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी आती है वो भी आपके साथ पूरी शेयर करूंगा, और इसके बेनिफिट अच्छाइयां और बुराइयां नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो का कोई भी पार्ट हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। स्विच कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, डोर्स पे नहीं है, वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट लगता है, बाकी तो भाई सब कुछ सही है। बाद में अच्छाइयां बुराइयां करेंगे भाई, अभी नहीं कुछ भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कुछ ही झकास सी वीडियो के साथ। भाई पापा भी कल धोखा खा गए थे, चाबी है उसमें ना सेंटर लॉक नहीं है, वो नॉर्मल सी की है, पापा कल उसी को उठा के ले आएंगे। अब मैंने निशानी लगा दी इस पे भाई, इसमें तो पापा वो भी लगे हुए, देखो स्क्रू मस्त है, लेदर रैप नहीं, लेदर का छल्ला। इसको यहाँ पे रखते हैं, अब लगाते हैं गाड़ी में कवर। ये देख लो भाई एक बार लुक।